Good morning, students. I am S. Ansari and I am going to teach Civics Chapter 8, Chapter 1, Class 8, Indian Constitution, about Indian Constitution. Students, this is the first lecture of our chapters. The name of chapter is Indian Constitution. In this chapter, we are going to study about Indian Constitution. And what is the importance of Indian Constitution? We are going to study in this chapter. First of all, we know about Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे. इससे पहले जस्ट प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको जो है हम लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में. इसलिए सबसे पहले हम ये जानें कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर पीपुल. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द अब्राहम लिंकन. सबसे पहली बार डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने जो है आपको बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी से क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने आपको बताया. तो डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े. आज हम लोग पढ़ेंगे इसको, हम लोग कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिसको हम लोग कहेंगे भारतीय संविधान के बारे में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. हम इसमें कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. इन ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत से सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत से सारे आइडियाज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा हुआ है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, अप्रॉक्सीमेटली 444 आर्टिकल्स आर फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये लगभग 444 आर्टिकल जो है आपको पाए गए हैं. और अमेंडमेंट्स में होता है दैट इज एडिटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो रूल और रेगुलेशन को एडिट किया गया है उसमें 100 टाइम्स यानी अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स हो गया आपको, आर्टिकल्स 444 आर्टिकल्स और अमेंडमेंट हो गया लगभग 100 अमेंडमेंट जो है आपको हो चुके हैं और टोटल 444 आर्टिकल जो है आपको दिया गया है. इसलिए स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द बेसिक फीचर ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक फीचर में सबसे पहले आता है कि नीड फॉर लॉज. इसमें सबसे पहला आ गया नीड फॉर लॉ. लॉ मीन्स कानून. हिंदी में हम इसको कहेंगे लॉ मीन्स कानून. यानी हमको लॉ की आवश्यकता क्यों है,
वाई वी नीड ए लॉ, हमको नियम की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों जो है एक लॉ के पीछे दौड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारा गवर्नमेंट जो है एक रूल लॉ के आधार पे वर्क करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वर्क करता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस के आधार पे वर्क करते हैं। व्हाई वी नीड ए लॉ, क्या कारण है कि हमको हमको एक नियम की आवश्यकता क्यों होती है। स्टूडेंट्स सी केयरफुली, इसमें है कि सम रूल्स है टू बी फिक्स्ड फॉर सिचुएशन एंड सम रूल्स हैव ऑफेंसिव एंड सम रूल्स हैव नॉट ऑफेंसिव। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो ऑफेंसिव होते हैं। ऑफेंसिव मीन्स उसके लिए जो है आपको पनिशमेंट किया जा सकता है, गवर्नमेंट जो है आपको पनिशमेंट कर सकती है, ऐसा रूल जो है बनाया गया जिसको हम लोग सेट ऑफ रूल्स का, सेट ऑफ रूल्स के आधार पर जो सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं उसमें कि फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। बहुत से सारे रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वह ह्यूमन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लॉ के आधार पर मनुष्य का जीवन, ह्यूमन का लाइफ जो होता है डिसिप्लिन हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। तो हम कोई भी अगर वर्क करते हैं, कोई भी अगर काम करते हैं, अगर नियम के आधार पर करें, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू नियम के आधार पर अगर हम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जो है वेल डिसिप्लिन हो जाते हैं। इसलिए ह्यूमन लाइफ के लिए जो है लॉ इम्पोर्टेंट, हमारे सोसाइटी में लॉ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि विदाउट लॉ वी कैन नॉट बी सर्वाइव। बिना लॉ का हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग ऑन द रोड्स, अगर मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो अगर हम नहीं करते हैं, हमको लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, अगर मान लीजिए कि हमको रोड क्रॉस करना है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख के रोड को क्रॉस करते हैं, अगर हम इस लॉ को अगर फॉलो नहीं करें तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो जाएगा रोड पे, जो है एक्सीडेंट्स हो सकता है। इसलिए हमें नियम की आवश्यकता है, हमको लॉ की आवश्यकता है। गवर्नमेंट जो अपने स्टेट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्न करती है, अपने गवर्नमेंट को जब चलाती है तो उसको गवर्न करने के लिए भी क्या है, रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। इन विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट कैन नॉट बी रन एज स्मूथली टू द गवर्नमेंट। इन बिना लॉ का वह जो है अपने गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकता है, उसके लिए भी क्या है, आपको रूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे ऐसे बहुत से सारे ब्रेकिंग न्यूज़ देखा जाता है कि लोग जो है रोड पर जा रहे, एक्सीडेंट्स हो गया। व्हाई, क्यों एक्सीडेंट्स हो गया, बिकॉज ह्यूमंस डज नॉट रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑन वॉकिंग ऑन द रोड। जब वो रोड पर टहल रहा है वो रूल्स के बारे में वो ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए ह्यूमन लाइफ के लिए है कि उसको अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक नियम की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट को भी, बेसिकली जो गवर्नमेंट्स हैं उनको रन करने के लिए भी नियम की आवश्यकता होती है। अरे इस लॉ के आधार पर इसका एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल जस्ट डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन 1961, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट विच इज पास्ड इन 1961 ईस्वी में एक एक्ट बनाया गया जिसको हम डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है आपको कानून बनाए गए। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझें कि व्हाट इज डॉरी सिस्टम, डॉरी सिस्टम क्या है।
जिसको हम लोग कहेंगे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक क्राइम है कि क्या है उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डॉरी सिस्टम। डॉरी इज द गिफ्ट विच आर टेकन बाई द ब्राइड ग्रूम ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द मैरिज सेरेमनी। यानी शादी जब होती है, शादी ब्याह के मौके पे जो डॉरी दिया जाता है, जो दहेज लेना लिया जाता है और दिया जाता है, वह क्या है, डॉरी सिस्टम कहा जाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाई दहेज प्रथा को रोकने के लिए, जिसको कहा जाता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, विच आर एस्टेब्लिश्ड इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 ईस्वी में जो है ये एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट के तहत देखा गया कि गवर्नमेंट ने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में प्रॉपर्टी ब्राइड ग्रूम्स को प्रॉपर्टी बहुत से सारे पैसे वगैरह जो है डिमांड किया जाता है, डेट इज द क्राइम इन द डॉरी सिस्टम। द ब्राइड ग्रूम्स फैमिली ब्राइड्स फैमिली हैड डिमांडेड लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज अ क्राइम। वह एक प्रकार का क्राइम है और इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें बहुत से सारे अमेंडमेंट किए। सबसे पहली बार 1981 में फर्स्ट अमेंडमेंट्स किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट्स फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1981 में किया गया। उसके बाद 1986 में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। 1986 में आपको सेकेंड अमेंडमेंट्स किया गया और इस सेकेंड अमेंडमेंट्स में आपको कुछ अलग से टर्म जो है डाले गए, जिसको हम लोग कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड है, ऑफेंस है, तो उसको 5 years इम्प्रिजमेंट्स किया जा सकता है और उसको पनिशमेंट किया जाता है 15,000 और मोर, 15,000 और उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट किया जा सकता है और उसको जो है आपको पनिशमेंट किया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट्स किया जा सकता है, उसको जो है जेल हो सकता है, उसको सजा गवर्नमेंट दे सकती है अगर किसी के ऊपर जो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट अगर लागू कर दिया गया उस समय। तो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट इज द लॉ, डॉरी प्रोहिबिशन इज एक्ट इज द लॉ, एक प्रकार का लॉ है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और इसके अनुसार गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को पनिशमेंट कर सकता है, उसको दंडित कर सकता है। तो ये था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको हम लोग कहेंगे कि दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है कानून बनाए गए उसको डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कहेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग दो टॉपिक पढ़े, बेसिक कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आया कि पहला नीड फॉर लॉ, यानी हमको नियम की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों जो है कि नियम से बंधे हुए हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे लाइफ में, हमारी गवर्नमेंट जो रन करती है, ये सब के पीछे क्या है कि लॉ की आवश्यकता है और वहाँ पे लॉ जो है आपको बनाया गया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या। देखिए कह रहा है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो सम रूल्स हैव एक्सेप्टेबल टू ऑल, ऐसे बहुत से सारे नियम हैं जो सबके लिए लागू होते हैं, सब लोग जो है उसको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस जिसको हम लोग करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सेफ गार्ड
ऑफ आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट्स का एक सेफ गार्ड उसको हम लोग कहेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट्स को सेफ करता है, सेफ करके उसको रखता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस आइडियाज, वो हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत से अलग अलग व्यक्ति पे क्या है लागू होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस एंड आइडियाज को कहा जाएगा ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत से अलग अलग रूल्स हैं। जैसे आ जाता है रूल, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड सेकंड इज लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, लेजिटिमेसी ऑफ लॉज, लेजिटिमेसी ऑफ लॉज, ये दो जो है रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो रूल ऑफ लॉ के आधार पे अकॉर्डिंग टू फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर हैं उन्होंने सबसे पहले विजुलाइज किया जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ को सबसे पहले उन्होंने विजुलाइज किया और इसमें गवर्नमेंट के अनुसार जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे हम लोग कह सकते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसमें मस्ट बेसिक राइट्स दिया गया कि एनी वन पर्सन हैव नो अबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति जो है लॉ से ऊपर नहीं है, हर एक व्यक्ति क्या है कि नियम के आधार पर वर्क करता है, और मोर देन वन पर्सन वर्क टुगेदर अंडर द लॉ, एक नियम के आधार पर सब लोग क्या करते हैं वर्क करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ इसको कहा जाएगा। अब रूल ऑफ लॉ में कि हमारे गवर्नमेंट्स का थ्री मेन ऑर्गन्स है, जैसे हमारे बॉडी का बहुत से सारे मेन ऑर्गन्स है, वैसे गवर्नमेंट्स के लिए थ्री मेन ऑर्गन्स है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थ्री मेन ऑर्गन्स है, उस थ्री मेन ऑर्गन्स को कहेंगे थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आ जाता है सबसे पहला नंबर जिसको हम लोग कहेंगे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, सेकंड एक्सक्यूटिव, एक्सक्यूटिव, और थर्ड है जिसको हम लोग कहेंगे ज्यूडिशियरी, ज्यूडिशियरी। देर आर थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एक्सक्यूटिव एंड ज्यूडिशियरी। तो लेजिस्लेचर, एक्सक्यूटिव और ज्यूडिशियरी, ये थ्री टर्म्स हैव द डिफरेंट वर्क, ये थ्री टर्म्स हैं जिसका वर्क क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट वर्क होते हैं। तो फर्स्ट लेजिस्लेचर, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज विच इनेक्ट द लॉज, लेजिस्लेचर क्या करता है लॉ को फ्रेमिंग करता है, लॉ को इनेक्टेड करता है, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर का फंक्शन कहते हैं। सेकंड जिसको हम एक्सक्यूटिव कहते हैं, एक्सक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ एक्सक्यूटिव इज इम्प्लीमेंट द लॉज, एक्सक्यूटिव का फंक्शन है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेचर का फंक्शन है जो लॉ को इनेक्टेड करता है, और तीसरा जुडिशियरी विच इम्प्लीमेंट ऑर्डर एंड मेंटेन द लॉ, जुडिशियरी का काम है कि विच इंटरप्रेट द लॉ। फिर से रिकॉल कर देते हैं, लेजिस्लेचर, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज इनेक्टेड द लॉज, लॉ को इनेक्ट करना, द सेकेंड एक्सिक्यूटिव विच इम्प्लीमेंटेड द लॉ, एंड थर्ड जुडिशियरी, द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इज विच इंटरप्रेट द लॉज, लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो ये थ्री बेसिक ऑर्गन्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट
क्लिप में नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे रोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड, जिसको हम लोग कहेंगे लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, यानी इसका मतलब लेजिटिमेसी का हिंदी वर्ड होता है वैधता, वैधता यानी नियम की वैधता, यानी कैसे जो है लॉ को एजिटिमेट किया जाता है, उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स पहले इस चैप्टर को आप समरी देखेंगे, और उस समरी को देखने के बाद अभी जितना लेक्चर इसमें चला उसको बढ़िया से स्टडी करने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।